Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 17 tenses. बेटा आप सभी को पता है कि आपका chapter 17 tenses का कर रहे हैं हम लोग, जिसका मैंने present tense और past tense करा दिया है. Present tense की हम revision कर चुके हैं अपनी, आज हम अपने past tense की revision करेंगे बेटा. Past indefinite tense की. Past tense means भूतकाल, ठीक है, बीता हुआ समय. पास्ट इनडेफिनेट टेंस की बेटा, पास्ट इनडेफिनेट टेंस की पहचान बताइए मुझे. पास्ट इनडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा? इनके वाक्य के अंत में या, ई, ये, ई, आ, ए, था, थी और थे आता है, ठीक है बेटा. पास्ट इनडेफिनेट टेंस के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ये, ई, आ, ए, था, थी, थे आते हैं, ठीक है बेटा. हमने इसका कौन कौन से तीन टाइप्स करे सेंटेंस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. सबसे पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव. एफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सकारात्मक वाक्य, ठीक है बेटा. सकारात्मक मींस जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और जिन वाक्यों में प्रश्न नहीं पूछा जाता, वो होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है बेटा. एफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया था? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाद में फुल स्टॉप, ठीक है बेटा. यही बताया था, है ना. एग्जांपल देखिए इसका, जैसे कि लाइक वह मंदिर गई. देखो बेटा ई आ गया इसमें, ठीक है. तो अब क्या बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? वह. वह कौन है? ही या शी या इट. गई है तो मींस शी, शी. उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, जाने की क्रिया हो रही है गई. गो की सेकंड फॉर्म वेंट, शी वेंट. ऑब्जेक्ट क्या है? टेम्पल, टू टेम्पल. शी वेंट टू टेम्पल, ओके बेटा. लास्ट में फुल स्टॉप. अब देखिए सेकंड हमने किया था नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा. नेगेटिव मींस नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, नॉट का यूज होता है. इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया था बेटा आपको? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. अब नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है. एग्जांपल देखिए बेटा, मैंने कहानी नहीं सुनाई, ठीक है. तो क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैंने मींस आई. डेड आ जाएगा आप साथ में, डेड के बाद क्या लगाना है? नॉट. उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनाई को क्या बोलते हैं? टेल. ऑब्जेक्ट क्या है? कहानी, द स्टोरी, ठीक है बेटा. आई डिड नॉट टेल द स्टोरी, ठीक है. अब आ जाते हैं लास्ट हम अपने इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, ठीक है. जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए. इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा,
उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अब इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है, लाइक क्या उसने तुम्हें बुलाया, क्या उसने तुम्हें बुलाया। ठीक है, अब इसको करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या आएगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बुलाने को क्या बोलेंगे, कॉल, तुम्हें को क्या बोलेंगे, यू, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, तुम्हें। ठीक है बेटा, डिड ही कॉल यू, क्या उसने तुम्हें बुलाया। ठीक है, समझ में आया बेटा। ये इस तरह से आपको मैंने बताया था, एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर डिड आता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, आपके पास इसकी एक्सरसाइज किस तरह से आएगी बेटा, एक एक्सरसाइज आपको हम करा ही रहे हैं साथ के साथ कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वो हम बता ही रहे हैं। एक आपको इस तरह से आएगी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड, सुटेबल वर्ब इन पास्ट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आपको कैसे आएगी, देखिए इस तरह से आ सकती है, एक सेकेंड, राधा डैश फूड, ठीक है, यहां पर है ईट। ठीक है बेटा, एक आएगा ऐसे, वर्ब दी हुई आपको गो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो देखिए, आपको इस तरह से सेंटेंस दिया होगा फिल इन दी ब्लैंक्स में, और वर्ब आपको दी होंगी, आपको ऊपर लिखा होगा फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस की आपको स्ट्रक्चर पता है सबके, अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी और इंटरोगेटिव का भी। तो देखिए, राधा डैश फूड, वर्ब क्या है, ईट। अब यहां पर क्या आना चाहिए, पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हाँ कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं हो रहा, नेगेटिव तो है नहीं, ना ही इंटरोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की क्या होगी सेकंड फॉर्म, ईट की क्या हो जाएगी, ईटन, है ना, सॉरी 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 सॉरी, ईट की क्या हो जाएगी, एट। ठीक है,
ईट की एट हो जाएगी, राधा एट फूड, राधा ने भोजन खाया, ठीक है। दे डैश टू मार्केट, गो दिया हुआ है, अब इसमें भी नॉट नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इंटरोगेटिव भी नहीं है, कौन सा है, अफर्मेटिव, वही अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, गो की क्या हो जाएगी, वेंट, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ही डैश नॉट टेल पोयम, अब यहां पे नॉट का यूज हो रहा है, नॉट को देखते ही आप पहचान जाओगे नेगेटिव है, अब पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डिड, तो आप सीधा ही देखते ही लगा देंगे डिड, है ना। आई डैश नॉट राइट अ पोयम, वही नॉट को देख के सीधा आप लोग डिड यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। इज दैट क्लियर बेटा। इस तरह से आपको एक्सरसाइज दी जाएगी जो कि आपको असाइनमेंट में खुद करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।